अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा मालिश की मसीहाई या बेनिफिट ऑफ मालिश या मसाज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सुनबीर शुमार। तो जनाब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है मालिश। मालिश से खुश्की दफा होती है, बलगम बादी खून और गर्म में इतदाल पैदा होता है, थकान दूर होती है, जिसम खूबसूरत बनता है, ताकत हासिल होती है, आंखों में तरावत आती है, दिमाग रोशन हो जाता है, आपके जिसम बहुत अच्छा हो जाता है, बाल बढ़ते हैं, नींद खूब आती है और जनाब हाथों तलवों और पूरे जिसम का मसाज करने से बहुत ही ज़बरदस्त ताकत आती है। तो जनाब चोट, ये खास तौर पे आपको ये मालूम होगा कि इससे सोजिश, चोट, मोच वगैरह का इलाज भी अक्सर का मालिश से ही किया जाता है। यूनानी तरीका इलाज हो या आयुर्वेदिक, अंग्रेजी तिब हो या कोई भी इलाज का जरिया, उसमें तमाम इलाज के तरीकों में मालिश को बेइंतहा अहमियत दी गई है। मुख्य मर्जों में मुख्य तरीकों से मालिश की जाती है। मालिश का असर खून, रगों और पट्ठों पर बहुत गहरा होता है और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़े बड़े जो हमारे यहाँ रेस्लर हैं, हमारे यहाँ जो बहुत बड़े बड़े कुश्ती वाले लड़ने वाले हैं, वो घंटों अपने बदन पर तेल की मालिश करवाते हैं। इससे उनकी अंदरूनी चोट, उनकी अंदरूनी सख्ती या उनके जो जिस्म में कड़ाव आ जाए तो वो इससे दूर हो जाता है। तो जनाब मालिश है एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। मालिश का असर खून, रगों और पट्ठों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है। जिस्म से कमज़ोर और जिनके लोग बेहिस अज़ार अगर मालिश करें तो इसके लिए भी उन्हें ख़ास लोगों का ज़रूरत है जो कि मालिशी कहलाते हैं या फिर मालिश की टेक्निक करते हैं, जिसे फिजिकल डॉक्टर्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अहम है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि मालिश की क्या अहमियत है। तो जनाब ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं हम घर की बड़ी बूढ़ियों की तरफ। आपने देखा होगा कि घर की बड़ी बूढ़ियाँ जो भी नया बच्चा घर में आता है तो उसके लिए हमेशा तीन चीज़ें सजेस्ट करती हैं उनके बच्चों के बदन पर लगाने के लिए, मालिश करने के लिए। वो है मैदा, घी या सिर्फ तेल। अब ये भी साथ देखना है कि तेल किस चीज़ का हो। नारियल का तेल वो ज़्यादातर वो करती हैं, जल्द ज़्यादातर जैतून का तेल करती हैं। इस बात का सबूत है कि मालिश बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आवाम मालिश के फ़ायदों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। अगर हम बच्चों की मालिश पर बात करें तो बच्चों के कमज़ोर सीने मालिश से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। कमज़ोर बच्चों के लिए मालिश एक नेमत है। वो बच्चे जिनका सीना कमज़ोर है उनके सीनों को मालिश रोज़ाना की जाए और उनके सीनों पर ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, बल्कि मालिश हाथ की हथेलियों से आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए और बच्चे के सीने पर ज़्यादा बोझ दिया जाए। कमज़ोर बच्चों के लिए आप मछली का तेल या जैतून का रोगन जो है वो मालिश के लिए बेइंतहा मुफीद है। मालिश से खुश्की दूर हो जाएगी और उनका जिस्म मजबूत और अच्छा बन जाएगा। उन्हें उनके हाथ पाँव के तलवों में करें, उनके कमर पे करें और उनकी जिस्म के एक एक हिस्से पर मालिश करेंगे, बल्कि पूरे जिस्म पर मालिश करेंगे तो वो बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। अगर हम सर की बात करते हैं सबसे पहले, तो जनाब सर के तेल की मालिश से आपकी जहनी थकावट जो है वो दूर हो जाती है, निगाह तेज़ होती है और कम ख्वाबी के जो लोग शिकार हैं वो सर की मालिश ज़रूर करवाएं। इससे आपकी आंख और दिमाग दोनों को तकवीत हासिल होती है, आपके बाल बढ़ते हैं और इसके अलावा आपकी कम ख्वाबी दूर होती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक नुस्खा बताती हूँ, वो लोग जो कि कम ख्वाबी के शिकार हैं वो रोज़ाना रात को अच्छी तरह मालिश करवाएं, उसके एक घंटे के बाद नीम गर्म पानी से नहाएं तो उन्हें इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी कि उन्हें कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं हाथ और पाँव के तलवों की मालिश की तरफ। ये क्यों ज़रूरी है? हाथ और पाँव के तलवों के मालिश करने से बनाई तेज़ होती है और इसके अलावा कम ख्वाबी भी दूर होती है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सर की मालिश करें या आप सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो आप एक काम करें, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो आप सिर्फ 1-2 से 3 औंस तेल लें सरसों का। जी हाँ, सरसों का तेल लेना काले कच्ची खाने का हो तो ज़बरदस्त है। तो जनाब मालिश के लिए आप ये तेल लें और उसे अपने हाथों से अपने पाँव में अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर मालिश करें 2 मिनट की। अभी आप मालिश खत्म नहीं करेंगे कि आप देखेंगे कि आप पुरसकून नींद की वादी में पहुँच चुके होंगे। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि मालिश के लिए, मालिश तो हमने देख लिया कि मालिश कैसे करनी चाहिए, लेकिन
मालिश के लिए कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन से तेल ऐसे हैं जो कि मालिश के लिए बहुत फायदेमंद है। तो जनाब मालिश के लिए आपको चाहिए गाय का घी, अगर ये आपको मैसर नहीं है क्योंकि शहरी निज़ाम है तो आप ले रोगने बादाम भी अगर आपके पास नहीं है तो रोगने जैतून, और आखिर में सरसों का तेल तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन अगर सरसों का तेल कच्ची घानी का हो तो ये बे इंतहा मुफीद है। इससे मालिश आपके तमाम थकावट को दूर कर देगी और आपके जिस्म को रोशन कर देगी। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एहतियात देखेंगे कि किन लोगों को मालिश नहीं करवानी चाहिए। तो जनाब मालिश किन लोगों को नहीं करवानी चाहिए, जिन्हें खांसी हो, जिन्हें दमा हो या जो कह के मरीज हो, उन्हें मालिश की ममानियत है। वो चाहे फिर आयुर्वेदिक हो, चाहे हकीम हो, चाहे अंग्रेजी डॉक्टर हो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, वो तमाम यूनानी डॉक्टर हो, वो तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफिक है कि खांसी, बुखार, दमा और क्या के मरीजों को मालिश हरगिज़ हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसके बाद एक और एहतियात है और वह ये कि मालिश के फौरन बाद नहीं नहाना चाहिए, कम अज कम एक घंटे का वक्फा जरूर दें। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका जिस्म मालिश की वजह से बहुत गर्म हो जाता है और आपका दौरान खून जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। इस पे अगर आप नहाएंगे, यानी कि अगर आप इसके दौरान नहाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपके जिस्म में अकड़ाव आ सकता है। अब हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर लेक्स्टर की ख्यालात के बारे में। डॉक्टर लेक्स्टर म्यून्ख यूनिवर्सिटी बर्लिन में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। उन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के सालाना इजलास की तकरीर में कहा है कि दुनिया में बदसूरत शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, जहाँ कुदरत गलती करती है वहाँ इसकी इसलाह करना साइंस का काम है, लेकिन साइंस को और कुदरत को अलग अलग मानना ये गलत है। तो जनाब प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उन्होंने कई लोगों के जो है जिस्मानी नुकाइश दूर किए हैं ये, और वो कहते हैं कि मालिश से खूबसूरती बढ़ती है। ये कहना सही है कि सर्जरी और मालिश दोनों हकीकी बहनें हैं। डॉक्टर लेक्स्टर ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बेशुमार और अमीर औरतों, एक्ट्रेसों और बदसूरत लोगों को खूबसूरत बनाया है। डॉक्टर साहब ने मालिश के बारे में अपने तजर्बात बयान करके साइंसदानों को हैरान कर दिया है। उन्होंने अपने वर्ल्ड मेडिकल कॉन्फ्रेंस के सदर राइट ऑनर डेल डॉक्टर विलियम ऑलक्सर के ने अपनी तकरीर के दौरान मालिश के बारे में जो बात कही है वो ये है कि जनाब मालिश इल्म हिकमत की एक जुदा शाख है। ये तरीका इलाज कानूनी कुदरत के ऐन मुताबिक है, दूसरे इलाजों की तरह इसमें कोई बनावट नहीं, इसलिए इसमें नुकसान का अंदेशा है ही नहीं। मालिश से यकीनन तंदुरुस्त इंसान को खूबसूरती, जवानी और तंदुरुस्ती हासिल होती है। अगर कोई मरीज बहुत ज़्यादा लागर है, कमज़ोर है, तो वो जनाब अगर मालिश करेगा तो उनका कहना है कि इससे उन्हें बे इंतहा ताकत हासिल होगी। और यही वजह है, मैं आखिर में यही बात कहूँगी वीडियो के, यही वजह है कि हमारे बड़े बड़े रेसलर, बड़े बड़े जो पहलवान हैं, बड़े बड़े जितने भी आप देखें, वो घंटों मालिश करवाते हैं, घंटों। और अगर आप भी इस तरह का काम करना चाहते हैं, अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मालिश करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़मीर-ए-शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।